जी, क्या हाल चाल? बस बताएं क्या क्या हो रहा है सचिन वहां पर। अच्छा कुछ नहीं, मेरे को यहाँ की जो डेट मिली थी बायोमेट्रिक की, 27 अगस्त मिली थी बॉम्बे की, तो जी फिर वो तो बहुत डिले हो रहा था, तो जी समाओ नेपाल की डेट मिली, 26 जुलाई को मैंने करा लिया। जी और बस वो हालांकि वहाँ परेशानी काफी आई, बट ठीक है, हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, अच्छी बात है। चलो, आपने बड़ी मेहनत करी है, आपने गए वहां पर नेपाल, जाना आना कितना खर्चा लग गया? जस्ट एज ए क्यूरियोसिटी, जाना आना एक दिन में आ गए सुबह जाके शाम को? नहीं सर, सवेरे जाके शाम को तो नहीं आया, मैंने इंटेंशनली थोड़ा सा गैप रखा था, बट उसके बाद भी दिक्कत आ गई। मैं गया था संडे को, मंडे की मेरी डेट थी और ट्यूसडे को मेरी रिटर्न थी, क्योंकि अच्छा फ्लाइट्स का थोड़ा आजकल टाइम लाइन का भरोसा नहीं ना, अगर मैं बिल्कुल एकदम मार्जिन लेके जाऊँ और कुछ आगे पीछे हो जाए तो फिर वो पूरी ट्रिप ही वेस्ट हो जाती है, जी, सही बात है सही बात तो है। इसलिए फिर आई गॉट इट डन ऑन मंडे। हो गया था मंडे को तो आराम से हो गया था, वापसी में थोड़ी दिक्कत आई थी, बट ठीक है, आई कुड मैनेज दैट। जी, कैन यू सी समथिंग ऑन द स्क्रीन? हाँ जी, आई कैन। मेबी आई कैन मेक इट स्लाइटली बिगर। हाँ थोड़ा बड़ा कर लीजिए, छोटा दिखा दीजिए। आपको रीड आउट करना पड़ेगा सर, मैं नहीं पढ़ पा रहा। पढ़ नहीं पा रहे कोई? नहीं, अच्छा इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। जी अभी नहीं आ रहा? बहुत छोटा है, बारीक है। अभी भी बड़ी क्या? ओ, लेट मी जस्ट कितना और बड़ा कर दे। ओके, लेट मी हैव माय रीडिंग ग्लासेस आप ऑन। क्या, आप फोन फोन पे हो या कंप्यूटर पे हो? नहीं, मैं फोन पे हूँ, क्योंकि मैंने अभी बस ओ दिल्ली, अच्छा, फोन अभी फोन से मैं, नहीं, फोन से नहीं होना ये? हाँ मैं अभी क्या, जब आपका फोन आया ना, मैं रास्ते में था, मैं दिल्ली से वापस आ रहा था ऑन रोड, तो अब देखें, हाँ अब देखें क्या है। जी। अभी नहीं पढ़ने में आ रहा? कुछ पासपोर्ट, हाँ अभी नहीं आ रहा पढ़ने में? आप फोन पे है ना अब आ एक्चुअली? रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ क्या मतलब सर, ये तो पासपोर्ट मांग रहे हैं। सर जी, पासपोर्ट मांग रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि आप पासपोर्ट दे दो तो हम पास, मतलब हम इस पे कुछ एक्शन लेने वाले हैं। पासपोर्ट मांग रहे हैं आपसे, पासपोर्ट ओके, मांग रहे हैं तो इसका मतलब उनको वीजा लगाना होगा तभी मांग रहे हैं पासपोर्ट। डोंट टेल मी। सर मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो मैसेज आया है वो पासपोर्ट मांगते हैं तब जब आपको वीजा स्टैम्प करना होता है, अदरवाइज पासपोर्ट का उन्होंने क्या करना है इतनी जल्दी कैसे हो सकता है सर? सर जी? ऊपर वाले की लीला है ये सर जी, क्या कर सकते हैं। अभी आपको मेरे ख्याल के 16 दिन हुए हैं शायद, 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी नहीं हुए शायद। हाँ मेरी 12 तारीख की एप्लीकेशन है, बट आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद ही दे विल कंसिडर माई एप्लीकेशन। वो बायोमेट्रिक तो अभी हुआ मंडे को, इसी मंडे को। और सर जी वो इंदौर इंदौर वाले से खुश खुश होते हैं, वो इंदौर वालों को झट वीज़ा दे देते हैं, क्या करें। 3 हफ्ते से भी नहीं हुए आपको वीज़ा उन्होंने दे दिया है, मतलब अप्रूव कर दिया है, और आपसे आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के पासपोर्ट ले आए, हम आपको वीज़ा स्टैम्प कर देंगे। आप बताएं आपको वीज़ा चाहिए कि नहीं? अरे सर, कमाल कर रहे हो। बट आपको क्या लग रहा था, जल्दी नहीं हो गया? ऑनेस्टली मतलब आपके केसेस जो आप देखते हो कि आपके केस सारे जल्दी होते हैं, वो सर जी ऐसा कुछ तो देखिए, नहीं? आपके आईडी से जाता है तो वो अलग ही विंडो में जाता है? इसके बारे में मेरे को पता नहीं है, मेरे को नहीं पता कि मेरी आईडी है, आपकी आईडी है, या ऊपर वाले का ये सुदर्शन चक्र है, क्या है इसके अंदर, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये मैसेज दिल्ली हाई कमीशन से है, और आपका जी आपका पासपोर्ट कह रहे हैं अगर आप पासपोर्ट दे दोगे तो हम वीज़ा लगा देंगे, नहीं दोगे तो वीज़ा कहाँ से लगाएंगे वो? और मैं अभी वापस चला जाता हूँ, अभी तो दिल्ली से आया, वापस चला जाता हूँ कल सुबह। आप जाएं कल ही निकलें, आप कल जाएं, आप VFS जो भी आपके पास VFS है, चाहे मुंबई में जहां भी, आई डोंट नो कि VFS आपको दिल्ली में है तो दिल्ली जाएं, पासपोर्ट दें, और जब पासपोर्ट देंगे तो बस वो स्टैम्प कर देंगे और आपको
इट मे टेक 3-4 डेज, आपको कोरियर से आपका वीजा करा जाएगा। बट अभी आजकल मैंने जो सुना था वो ये था कि फिजिकल एप्लीकेशन पासपोर्ट नहीं ले रहे, आई थिंक वो पासपोर्ट पिकअप सर्विसेज के थ्रू ही कर रहे हैं। वो आपको VFS को कॉल करना पड़ेगा। मैं दूर बैठा हूँ, मेरे को नहीं पता उनका VFS का जो भी प्रोसीजर है। आप VFS को कॉल करें और उनकी वेबसाइट पे चेक करें और वो आपको बता देंगे। बहरहाल ये है कि ये मैसेज ये आपके सौभाग्य की प्रतीक है ये, और आपको वीजा वो देना चाहते हैं। अगर आप वीजा लेने में इच्छुक हैं तो आप कल उनको संपर्क करें, चाहे तो अभी कॉल कर लें। अभी तो कितने 8 बजे हैं वहाँ पर, कितने बजे हैं? 7 बजे हैं शायद। अच्छा, तो आप उन्हें VFS के नंबर पे कॉल कर लें, उनकी वेबसाइट भी देख लें, जो भी अपॉइंटमेंट बनना है, जो भी करना है। तो मेरी तरफ से क्लियर है, ये बिल्कुल हरी झंडी है, गाड़ी निकलने को तैयार है, हरी झंडी दे रखी है हमने, ग्रीन लाइट है, गाड़ी निकलने को तैयार है। आप इसको जल्दी से आप पासपोर्ट जमा करें। ठीक है जी, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो कोई वो नहीं है कोई, मतलब आपको आपने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वीजा लग जाएगा आपका? नहीं, ऑनेस्टली मैंने इतनी जल्दी का तो नहीं सोचा था। मैं तो ये सोच रहा था कि बड़ी स्ट्रगल रहेगी, बिकॉज सितंबर में कोर्स शुरू हो रहा है, और अभी ऑनेस्टली कल फिर यूनिवर्सिटी से फोन आया, वो पूछ रहे थे कि आप ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने तो उनको स्पेसिफिकली कल लिखा कि भाई मैं कर तो रहा हूँ ज्वाइन, बट मेरी वीजा एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, डिसीजन इज यट टू बी टेकन। सर जी, वीजा आपके सामने है, आपका केस बड़ा यूनिक है। आपकी आपकी एज मेरे बराबर है शायद, आती हो 50 प्लस, 51, 50? नो, आई टर्न्ड 49 डे बिफोर। ओह, 49, या 49 आपकी एज है। आप व्हाट आई कंसीडर एज अ मैच्योर स्टूडेंट, और आपका जो मेरे ख्याल पिछले कम से कम 20 साल का तो फर्क है जब आपने लास्ट MBA किया था, राइट? हां जी, मैंने लास्ट MBA किया वो 25 साल हो गए, बट इससे पहले भी मैंने एक 1.5 साल पहले IIM से एक प्रोग्राम और किया था। वो तो एक प्रोफेशनल चीज है, वो आपने अपने प्रोफेशन के लिए करा था, वो ऐसा वो अलग चीज है। लेकिन जो रेगुलर जो कैटेगरी आपने करा उसको 25 साल हो गए। आई हैड एन आईडिया के 20 इयर्स प्लस। और आप जैसे स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट्स के बारे में मैं कई बार अपने पुराने वीडियोस में कह चुका हूँ कि जो लोग मैच्योर प्लस होते हैं, जो से एज 30 प्लस होते हैं, तो उनको भी वीजा मिलता है। कई लोगों को इंडिया में सोचते हैं कि उनको वीजा कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा वगैरह वगैरह। और टिपिकली मैं छोटे छोटे जो एज की, जैसे 20-25 साल के जो क्लाइंट्स की, मैं स्टडी वीजा फाइल लेता नहीं हूँ। आई ऑलवेज प्रिफर के मैच्योर। और आपका वॉज यू नो इट इज अ क्लासिक केस बाय द वे, आई मीन 20 years plus 25 years plus एज डिफरेंस प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड and independent, you know, not connected with any employment. I think this was a very classic, and I had my mind ki aapka case hona chahiye, aur aapke samne hi hai, aur visa aapka lag gaya, lagai samjho, aap jaise passport doge to aapko within 4 to 5 days business days you will get the visa in your hand and you are ready to fly to Canada. Well, thank you so much, sir. Thank you so much. Honestly, इतनी जल्दी मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैंने कहा थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो होगी टाइम की, बट ठीक है, चलो आई थिंक यू नो सर, आपके बैकग्राउंड के सामने अच्छे अच्छे वीजा ऑफिसर भी हिल गए सर। आपका बैकग्राउंड इतना, इतने साल का आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस है और इतने साल का आपका जो इन्वेस्टमेंट, आपका एक बैकग्राउंड है, पोर्टफोलियो आपके सामने, वो क्या टिक सकेंगे आपकी तो। I can tell you honestly, you know, when I saw your background and I have not seen many people with your background, and you have a quite an extensive background. So I had no doubt that you will get the visa, maybe after one refusal or second refusal, but you know, that's fine. और इसके बाद आपके आपकी धर्मपत्नी और बच्चों का नंबर है, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। मेरी तरफ से उनको पूरी पूरी वो है, यू नो, फ्रीडम है कि दे कैन आल्सो अप्लाई एंड दे कैन आल्सो जॉइन यू। यस, सर्टेनली सर, वो तो करना है हमने, और इनफैक्ट बिफोर आई अप्लाई आई थिंक आई विल गेट ऑल द नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन डन फॉर देम, सो दैट दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन, यू नो, गेटिंग द थिंग्स प्रोसेस्ड। जी जी जी, ठीक है ठीक है, चलो। Thank you Sachin, thank you very much. Thank you. आप मेरे को ये, thank you so much जी, thank you. मुझे
लग रहा है इसमें आपके कुछ जादू है, अदरवाइज आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद समबडी एंड वो अभी कह रहे थे कि मई मई जून के जिन्होंने अप्लाई किए हुए हैं आई थिंक डिसीजन उन पे भी नहीं हुआ बहुत लोगों के केसेस में, एंड ये तो हमारा जुलाई का केस है इतनी जल्दी दे दिया, तो देयर इज सम मैजिक वैंड दैट यू हैव गॉट, आप हिला देते हो तो जल्दी हो जाती है चीजें आई थिंक सो। सचिन सचिन, ना जादू मेरे पास है ना जादू आपके पास है। सच्चाई तो ये है कि जिसका काम ऊपर वाले ने बना दिया है उसका काम कोई रोक नहीं सकता। और आई यू आर राइट अबाउट द स्पीड बिकॉज योर वीजा इज ग्रांटेड इन लेस देन 3 वीक्स, लेस देन आई मीन हार्डली 17 डेज। और जिनका काम लटक जाता है तो वो कई कई छः छः महीने लटक सकता है। और मेरे पास कई लोग आते हैं रिफ्यूजल वाले जिनका एक बार अप्रूवल इन प्रिंसिपल लग गया, पहले लग गया, अपने आप लग गया, उसके बाद फिर रिफ्यूज हो गया। मतलब इट्स नॉट कि गारंटीड के AIP के बाद उनका कंटिन्यू होगा, मतलब कि पहले जो पिछले साल पहले बोलते थे कि आप अप्रूवल दे दिए आप पढ़ो, और वो पढ़ रहे थे, स्टूडेंट की फीस भी दी उन्होंने, और अब जाके वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हमारा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो जिसका काम रुकना होता है उसका रुक जाता है, जिसका काम चलना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब ऊपर वाले की माया है, सब लीला है और कुछ नहीं है। एक चीज मेरा डाउट क्लियर कीजिए कि ये लेटर पे डेट क्या है सर? डेट अभी कल की है ये। कल की है अगर, मतलब अगर ओके हैड आई नॉट गोन टू नेपाल पॉसिबली दिस डिसीजन वुड नॉट हैव कम। बिल्कुल दैट्स राइट। सो इट वाज योर आइडिया कि हम मैं नेपाल जाके करा लूं। मैंने कहा करा लो आप, अच्छा है। तो आपने आपका फुल कंट्रीब्यूशन है इसमें, आपने जो कराया ये आपकी आपका जो है वो प्रारब्ध है ये, और ये बोल रहा है, और यू नो दैट्स द रियलिटी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सचिन, थैंक यू, टेक केयर, एंड आई होप टू सी यू समटाइम इन कनाडा। बाय द वे आप मेरे को पीछे शायद देख रहा होगे, आई एम सिटिंग इन वैंकूवर एरिया। अगर जो लोग इसको देखेंगे उन्हें पता होगा कि आई एम फ्रॉम अल्बर्टा, आई केम टू वैंकूवर लैंगली एरिया, और किसी को अगर यहाँ पर मिलना है तो आई विल बी हियर फॉर 7 to 10 days in लैंगली एरिया, एंड आई होप टू सी यू समटाइम इन दैट एरिया। बट ऑफकोर्स यू आर गोइंग द अटलांटिक कोस्ट, बट नॉट सो सून, बट मे बी इन द फ्यूचर। साल भरू सर मैं वहां पे, तो ऑफ कोर्स वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कैच अप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। टेक केयर सचिन, बाय बाय। यू टू, बाय।